हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल GIS कठुमर। स्टूडेंट्स, मैं आपको 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है 11th क्लास की केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट पार्ट है उसका चैप्टर नंबर थर्ड, और चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि हम आपको पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री कंप्लीट करा चुके हैं, और हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आ चुके थे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल होती है वो किस प्रकार से ड्रॉ की जा सकती है वो आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। पीरियोडिक टेबल को बनाने का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया था। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से हमने एलिमेंट्स को फिल किया वो भी मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है वो किस ऑर्डर में किया जाता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोजले ने बनाया था, और उसको ड्राइव करके आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया था। अब देखो, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कुछ थोड़े से मेन जो पॉइंट हैं उन सभी को नोट कर लेते हैं, जिससे आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज आ जाए, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, मेन पॉइंट्स के बारे में। हाँ जी, तो देखो आपको ध्यान होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स थे, 7, और ग्रुप्स कितने थे, 18। देयर आर 7 पीरियड एंड 18th ग्रुप इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर 7 पीरियड और 18th ग्रुप्स थे, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं, देखो फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, ओनली 2 एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम, प्लेस्ड हेयर। केवल यहां पर कितने एलिमेंट्स को प्लेस्ड किया गया है, 2 एलिमेंट को, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड को क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड। देयर आर 8 एलिमेंट, दोनों के अंदर एलिमेंट्स प्लेस्ड हियर, इनके अंदर यहां पर 8 एलिमेंट को रखा गया है तीसरे और चौथे पीरियड में, ठीक है ना। फिफ्थ एंड सिक्स्थ
period is called large period. पांचवें और छठवें पीरियड को लार्ज पीरियड बोला जाता है. दीज पीरियड्स कंटेन एटीन एटीन एलिमेंट. इन दोनों पीरियड्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट हैं? अट्ठारह अट्ठारह एलिमेंट रखे गए हैं. अपनी पीरियडिक टेबल को खोलकर आप चेक कर सकते हो, जितने उसके अंदर प्लेस हैं उतने ही यहाँ पर नोट किए जा रहे हैं. ठीक है ना. अब देखो सेवंथ एंड नहीं यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गई. फोर्थ और फिफ्थ लिखना चाहिए था मुझे. फोर्थ और फिफ्थ तो सिक्स्थ और सेवंथ यहाँ पर ये लास्ट हो गया ना. सेवंथ पीरियड ही तो थे ये. फोर्थ और फिफ्थ की बात की जा रही है क्योंकि सेकंड और थर्ड आ गया ना यहाँ पर, तो फोर्थ रह जाता. फोर्थ फिफ्थ को बोलते हैं लार्ज पीरियड. इस कॉल्ड वेरी लार्ज पीरियड, यानी कि छठवें और सातवें पीरियड को वेरी लार्ज पीरियड बोला जाता है. दीस कंटेन 32 एलिमेंट्स. इनके अंदर कितने कितने एलिमेंट आते हैं? 32 यानी कि 32 तत्व आते हैं. अब 32 कहाँ से आते हैं? देखो ध्यान से देखो, अपनी पीरियडिक टेबल पर ध्यान करो, फोकस करिए. पीरियडिक टेबल का जो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड में इधर साइड से, यानी कि कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से. लेफ्ट साइड से तीन एलिमेंट छोड़ो. थ्री एलिमेंट को छोड़ने के बाद मैंने वहाँ पर एक गैप दिया था सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में. और गैप देने के बाद सिक्स्थ पीरियड में जो 57 नंबर का लेंथेनम है, 57 के लेंथेनम एलिमेंट के बाद जो 58 जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक में नीचे जो मैंने सीरीज बनाई थी उसमें चला गया. ठीक है, लेकिन है वो कौन सा? सिक्स्थ पीरियड ही. और ठीक इसी प्रकार से जो सेवन्थ पीरियड है उसके एक्टिनियम जो एलिमेंट है, एक्टिनियम एलिमेंट पर गैप मिलेगा और उस गैप के बाद जो एलिमेंट है अगला नेक्स्ट वो कहाँ चला गया? एक्टिनाइड सीरीज के अंदर. ठीक है ना. तो एफ ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो छठवें और सातवें पीरियड के एलिमेंट हैं, ये ध्यान रखना आप लोग. ठीक है ना. अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स एलिमेंट आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको क्या बोलोगे आप? एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एस ब्लॉक एलिमेंट. अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको आप एल्कली मेटल के नाम से भी जानोगे. किस नाम से जानोगे? एल्कली मेटल के नाम से भी जानोगे. और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको आप एल्कली अर्थ मेटल के नाम से भी जानोगे. किस नाम से जानोगे? एल्कली अर्थ मेटल के नाम से भी जानोगे. ये फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. फर्स्ट ग्रुप वाली जो एल्कली मेटल हैं ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव, मोर या फिर आप ये लिख सकते हो वेरी मच रिएक्टिव.
यानी कि इनमें से कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिन एलिमेंट को आप ओपनली एयर में नहीं रख सकते। अगर ओपनली एयर में आपने रख दिया तो वो आग पकड़ लेते हैं, उनके अंदर कम्बस्टन स्टार्ट हो जाता है, उनमें एक्सप्लोशन होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं ये भी फर्स्ट ग्रुप से तो कम, लेकिन रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं उनसे मोर रिएक्टिव होते हैं, उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लगा रहा हूँ मैं, थर्ड टू ट्वेल्थ ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। दीज एलिमेंट्स एल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इन सभी एलिमेंटों को आप एक दूसरे नाम से भी जानोगे, और वो दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड टू ट्वेल्थ, तीन से बारहवां ग्रुप जो है, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानेंगे। और ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है ना। और ये डी ब्लॉक कहाँ आता है भाई, इधर बाईं साइड में तो पहला दूसरा आ गया, अब बीच में जो नीचे नीचे से हैं, नीचे नीचे जो ग्रुप बने हुए हैं वो पूरे के पूरे डी ब्लॉक के हैं, फिर उससे ऊपर जाएंगे, जाते हैं ना ऊपर, पीरियोडिक टेबल को खोल के देखो, ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं, अब उस पर पहुंच रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम पहुंच गए ट्वेल्थ ग्रुप तक, है ना। पहला और दूसरा ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक के हो गए, और थ्री टू ट्वेल्थ ग्रुप हो गए डी ब्लॉक के, ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है ना। अब चेक करते हैं थर्टींथ टू एटींथ ग्रुप्स एलिमेंट आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट। समझ में आ रही बात, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, 13 से 18 तक के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन एक ध्यान रखना, पी ब्लॉक में ग्रुप 18 में हीलियम रखा हुआ है, वो हीलियम पी ब्लॉक का नहीं है, वो हीलियम किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। समझ में आ गई बात, किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, टाइम बचेगा तो। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, इन पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि इनके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, मेटालॉइड एलिमेंट्स एल्सो प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर मेटल एलिमेंट भी हैं, नॉन मेटल एलिमेंट भी हैं, और मेटालॉइड्स भी हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर
placed below the periodic table. In two series, और दो सीरीज कौन सी हैं? लेंथेनाइड एंड दूसरी है एक्टेनाइड, एक्टेनॉइड, ठीक है ना. दीज एलिमेंट्स also called inner transition element. F block के जो element हैं उनको inner transition element के नाम से भी हम जानते हैं. और F block के element आपने देखे, मैंने बनाए थे periodic table के नीचे जो दो सीरीज बनाई थी उनके ऊपर हमने लिखा था एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 एल्सो नॉन हैलोजन फैमिली. ठीक है, ग्रुप 17 को हम किस नाम से भी जानते हैं? हैलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं. और हैलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं, मेंबर यानी कि एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन. ये मेंबर हैं हैलोजन परिवार के, ये सदस्य हैं. दीज आर द मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली. ठीक है ना. ग्रुप 16 एल्सो नॉन चैल्कोजेन फैमिली. ग्रुप 16 को हम किस नाम से जानते हैं? चैल्कोजेन फैमिली. और चैल्कोजेन फैमिली का, फैमिली के जो मेंबर हैं यानी कि जो एलिमेंट हैं इसमें फैमिली में, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये इस फैमिली के मेंबर हैं, चैल्कोजेन फैमिली के. ठीक है ना, ये हमको ध्यान में रखना है. ए जिगजैग लाइन ड्रॉन फ्रॉम अपर साइड ऑफ ग्रुप 13 टू लोअर साइड. ग्रुप 13 के ऊपर से एक जिगजैग लाइन नीचे की तरफ आती है, जो मैंने पीरियडिक टेबल में आपको बताई थी वो जिगजैग लाइन. Which is divide metal elements from non-metal element. समझ रहे मेरी बात को? देखो, इस तरह की जिगजैग लाइन मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना. ये जो जिगजैग लाइन बताई थी इसके इस साइड में, ये कौन सी हो गई? लेफ्ट साइड. या कि एक साइड ये गई, कौन सी साइड आएगी? राइट साइड. तो लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल में, वे सब मेटल हैं. और राइट साइड में जो हैं वहाँ पर कौन है?
नॉन मेटल। समझ में आ रही है मेरी बात? जो जिगजैग लाइन 13 ग्रुप से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उस जिगजैग लाइन के द्वारा पीरियडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इस जिगजैग लाइन की लेफ्ट साइड में तो मेटल एलिमेंट है जितने भी हैं, और इस जिगजैग लाइन की राइट साइड में नॉन मेटलिक एलिमेंट है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है, इस जिगजैग लाइन के आसपास, यानी कि जैसे इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर, आसपास जो एलिमेंट मौजूद हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटालॉइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस लाइन को भी लिख देते हैं, अराउंड दी जिगजैग लाइन दी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड कॉल्ड मेटालॉइड्स। मेटालॉइड के मैं एग्जांपल लिख दूंगा आपको, सिलिकन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये कुछ एग्जांपल मैं आपको मेटालॉइड के यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। ये जिगजैग लाइन के बिल्कुल आसपास हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ मैंने पीरियडिक टेबल के बारे में जो जनरल जो सारी चीज़ें थीं वो आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। समझ आ रही है बात? तो इन सभी जो मेन पॉइंट हैं, इन सभी मेन पॉइंट को अगर हम पढ़ लेते हैं तो पीरियडिक टेबल काफ़ी हद तक हमारी समझ में आ जाएगी कि इस पीरियडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और, एक लाइन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दी एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है भाई। जो एलिमेंट यूरेनियम के बाद प्लेस्ड किए गए हैं, रखे गए हैं इन दी पीरियोडिक टेबल कॉल्ड पैरा यूरेनियम एलिमेंट, उनको आप क्या बोलोगे, पैरा यूरेनियम एलिमेंट के नाम से जानोगे। जो एलिमेंट 92 यूरेनियम के बाद आते हैं उन सभी को क्या बोलेंगे हम, पैरा यूरेनियम एलिमेंट। ये चीज़ मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि 92 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट हैं वो इस नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, और 92 के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं वो सभी मैन मेड हैं, यानी कि उनको क्या बोल सकते हो आप, आर्टिफिशियल एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो मेन पॉइंट हैं, आप इन सभी मेन पॉइंट्स का या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इनको नोट कीजिए, ओके। अगर आप नोट करते हो इसको एंड टू एंड तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं हटता हूँ आगे से, चेक करो। अब देखो मैं इस पीरियडिक टेबल में आपको ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स को लर्न करवाता हूँ, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर पीरियडिक टेबल हमारे कैसे लर्न होगी, इसके एलिमेंट्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो देखो अब आप 11th क्लास में हो तो अपने माइंड को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, और आपको पीरियडिक टेबल लर्न करनी ही होगी। जब तक पीरियडिक टेबल आपके लर्न नहीं होती है आप केमिस्ट्री को ढंग से नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना।
इसीलिए यही कारण है कि मैं पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को आपको फर्स्ट में लेके आया हूँ, ठीक है ना। और इस पीरियोडिक टेबल की एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आप इन मेरे द्वारा बताई गई सारी डिटेल्स को ढंग से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने अभी डिटेल्स में बताया था आपको कि एस ब्लॉक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर हैं, बताओ। दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यही तो बताया था। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट प्लेस्ड हैं वो कौन है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको फर्स्ट ग्रुप और ये मेरा सेकंड ग्रुप, ये एलिमेंट आपको नोटता हूँ। फर्स्ट ग्रुप में ये मैंने लिखे होंगे, चेक कर लेना, रूबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और रेडियम, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने लिखे होंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। अब देखो इनको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करो, इसको करते हैं हली ना, सॉरी एक एलिमेंट रह गया सोडियम और पोटेशियम, हलीना करे रब से फरियाद, यानी कि हलीना, हलीना कोई नाम मान लो, हलीना करे रब से फरियाद, तो बिल्कुल स्टेप में हलीना करे रब से फरियाद, समझ गए। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। इसके लिए देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये बेरियम और रह गया था बीच में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को बोल के देख लो हलीना करे रब से फरियाद, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को बोल के देख लो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आराम से बोल के देख सकते हो ना। तो देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, H हाइड्रोजन, ये कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन, Li ये कौन सा है लिथियम, Na ये है सोडियम, K ये है पोटेशियम, रब Rb इसको बोलेंगे आप रूबीडियम, और CS इसको बोलेंगे CGM, और FR इसको बोलेंगे आप फ्रेंसियम, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना, सबके नाम लिख दिए। सेकंड ग्रुप वाले लिख रहा हूँ BE बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, और Ca कैल्शियम, और Sr स्ट्रॉन्शियम, Sr के बाद Ba बेरियम, और फिर Ra रेडियम,
सभी एलिमेंट के नाम आपके सामने लिख दिए मैंने, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके याद होने चाहिए। यू विल बी लर्न, यू शुड बी लर्न दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करूं तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि कौन से एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक और एस ब्लॉक के एलिमेंट के फुल फॉर्म आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पर नोट किए हैं, इनको आप लर्न कीजिए। इसके बारे में और ज़्यादा हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। ओके।